Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज मैं बीकानेर में एक काइट लवर के पास आया हूँ और उनका नाम है केशव शर्मा और इनका काइट क्लब का नाम है बालाजी काइट क्लब. और इनका जो काइट कलेक्शन है वो बहुत ही नायाब है, मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ. और इनका ही फार्म हाउस है जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है जिसके अंदर गेहूँ की खेती हो रखी है. और जो है, और यहाँ पे जो डेजर्ट ग्राउंड है, डेजर्ट ग्राउंड बिल्कुल डेजर्ट ग्राउंड के पास ही इनका फार्म हाउस है. और अद्भुत बात है ये है कि यहाँ पे चारों तरफ रेत के टीले हैं और उसके बीच में जो है इन्होंने गेहूं की फसल बोई है और इतना अच्छा गेहूं का खेत लहरा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं. तो चलिए मैं आप लोगों को केशव भाई से मिलाता हूं और उनके टीम से मिलाता हूं, टीम मेंबर से मिलाता हूं, उनके पास क्या क्या पतंग मांझा वगैरह है ये सब भी दिखाता हूं. फ्रेंड्स, अभी जिन काइट लवर से मैं आपको मिलाऊंगा उनका नाम है केशव शर्मा और उनके क्लब का नाम है बालाजी काइट क्लब. आप ये खेत देखिए कितना, मैं तो यहाँ पे आकर के देख के हैरान हो रहा हूँ. और ठीक इसी टीले के बैक साइड में जो आगे आप टीला देख रहे हैं, टीले के बैक साइड में जो है क्लब काइट फाइटिंग होती है और बहुत बड़ा एरिया है. आप ये देखिए फ्रेंड्स, आप इनका फार्म हाउस देख करके खुश हो जाएंगे. A few moments later. Friends, चलिए अब आपको मैं केशव जी और उनका प्यारा डॉगी, क्या नाम है इसका केशव जी? किट्टू नाम है. किट्टू. अच्छा फ्रेंड्स, और बताते हैं कि ये बहुत जबरदस्त बाइट करता है लेकिन ये केशव जी का फैन है. और ये देखिए केशव जी को कितना प्यार कर रहा है. और अभी चलिए हम लोग केशव जी के जो पतंग वतंग है वो आपको दिखाते हैं. यहाँ पे सब पतंग वतंग इनकी रखी हुई है. एक्चुअली ये रहते तो सिटी के अंदर है लेकिन पतंग वगैरह डोर वगैरह सब यहाँ पे रखी हुई होती है. बहुत अच्छी जगह है फ्रेंड्स, मेरे को तो बहुत मजा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे आकर के. फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो पतंग है बहुत जानदार और बहुत ब्यूटीफुल है, इसका फर्मा भी आप देख सकते हैं. और ये केशव भाई के जो काइट कलेक्शन में है ये, और सब बालाजी काइट क्लब वाले हैं ये लोग. तो और आप पतंग दिखाइए, इस पतंग को आपने कहाँ से बनवाया है? ये हमारा बीकानेर का पतंग है. अच्छा, बीकानेर का ही पतंग है. तो आपका जो काइट मेकर उनका नाम क्या है? मुश्ताक. अच्छा, मुश्ताक भाई ने बनाया है इसको. और भी पतंग दिखाएंगे जरा सा, मैं जैसे चाह रहा हूँ कि इस वाली पतंग को भी आप दिखाइए. अच्छा, ये भी बीकानेर के? ये कहाँ के? अच्छा, लखनऊ का. क्या नाम बताया आपने? चिराग. अच्छा चिराग भाई, आप अपनी पतंग देख लीजिए, ये आपके शहर की पतंग दिखाई जा रही है बीकानेर में. और पतंग दिखाइए, ये वाली दिखाइए जरा से, मेरे को इसको भी देखने का दिल कर रहा है. हाँ, आप नहीं है ना? लखनऊ की पतंग है. अच्छा, आरके की पतंग है, कानपुर की. मेरा फेवरेट है ये, देखिए आरके लिखा हुआ है. बहुत अच्छी पतंग है फ्रेंड्स, और इस पतंग का फरमा भी बहुत अच्छा है, लोचदार पतंग है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं. और दूर भी लड़ेगा ये. और भी दिखाइए. यस, सत्ता भाई की पतंग है, बहुत फंड पतंग है सत्तार भाई. और कानपुर, कानपुर के सत्तार भाई. कानपुर वालों, आप अपनी पतंग देख लो अपने शहर की, फिर शिकायत मत करना कि आपने कानपुर की पतंग नहीं दिखाई. मैंने बहुत पुरानी और बहुत अच्छी पतंग है. देख, कानपुर में भी बहुत अच्छे अच्छे जो हैं. वाह, ये देख लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पतंग है, फरुखाबाद. ये भी मुरादाबाद की है. अच्छा, इसका भी जरा मोहर पे मैं क्लिक करूंगा. बहुत अच्छी पतंग है फ्रेंड्स, इनके पास बहुत एक से बढ़कर एक पतंगे हैं. वाह, क्या बात है, आप लोगों की भाई शौक का तो जवाब नहीं है. पूरा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी पतंग रखे हुए हैं बहुत नायाब पतंग हैं और हज़ारों की तादाद में इनके पास पतंग होती है. फ्रेंड्स, मेरे पास इतना समय नहीं है कि जो मैं इनके सारी पतंग वगैरह का कलेक्शन दिखाऊं. और
ये भी बहुत अच्छी पतंग है। यहाँ पे देखिए सद्दी की चरखी रखी हुई है, एक से बढ़कर एक। ये चार नंबर सद्दी है जो ये हमारे खुद हमारे आसम। अच्छा, आपने खुद माझा है इसको? हमने अपना आसम। अच्छा अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार नंबर की सद्दी है। और भाई साहब ने, आप भी बालाजी गाइड क्लब के मेंबर हैं? वेरी गुड। ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इनका फार्म हाउस है। फार्म हाउस के अंदर ये कमरा है और इसी कमरे के अंदर सारा स्टॉक रखते हैं। और यहाँ से जो है ग्राउंड बिल्कुल पास है, मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं है, तो यहीं से ये लोग सामान लेते हैं और ग्राउंड पहुँच जाते हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हुए पतंगे वगैरह लड़ाते रहते हैं। अभी मैं मंझे का, ये वाला मांझा किस कारीगर का बना हुआ है? अच्छा, गोल्डन ईगल जरा सा। हाँ, आप ऐसे पकड़ लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स गोल्डन ईगल का मांझा। और ये मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल के अंदर दिखा रहा हूँ, आज से पहले मैंने इनका मांझा कभी नहीं दिखाया। अब मैं फ्रेंड्स आपको अदनान अली भाई का मांझा दिखाना चाहूँगा, और उनका मांझा भी मैंने अपने चैनल में कभी भी नहीं दिखाया, क्योंकि उनका जो मांझा है मेरे को आज तक मिला ही नहीं। मैंने लड़ा के भी नहीं देखा, सिर्फ उनका नाम सुना था, और आज फर्स्ट टाइम मेरे को इनका मांझा जो है केशव भाई के पास देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूँगा कि अदनान भाई का भी मांझा आप दिखा दीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए, ये अदनान अली भाई का हाथ का बना हुआ मांझा है, और इन्होंने जो है अभी मंगवाया है इस मांझे को। इनके पास चार चरखियां हैं, और वेरी गुड, बहुत ही अच्छा मांझा है फ्रेंड्स। इसका कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है, मेरून कलर है ये, और रूम के अंदर थोड़ा सा इसका कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो लेकिन है ये मेरून कलर, बहुत ही खूबसूरत है ये अदनान भाई का बना हुआ मांझा है। मैं भाई साहब को बोलूँगा कि एक चरखी मेरे को और दिखा दें, क्योंकि इनके पास तो कई सारी चरखियाँ रखी हुई है अदनान भाई की, मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये भी है, और यहाँ पे भी रखी हुई है अदनान भाई की, कई सारी चरखियाँ रखी हुई हैं इनके पास। वाह, बहुत ही खूबसूरत पैरेट ग्रीन, एक्चुअल पैरेट ग्रीन कलर रही है। और देखिए एक से बढ़कर एक मांझे का कलर निकल रहा है, बहुत खूबसूरत चरखियाँ इनके पास। और ये पार लड़ाने का मांझा है फ्रेंड्स, मज़ा आ गया। इनके पास काइट कलेक्शन और मांझे का कलेक्शन देख के भी बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने अदनान भाई की एक चरखी और खोल दी। इसमें देखिए क्लियरली मैं दिखा दूं आपको, अदनान भाई लिखा हुआ, अदनान अली। और फ्रेंड्स ये जो कलर है ये ब्रिक कलर है, यानी ईंट का रंग है, जैसे कच्चे भट्टी में से ईंट निकलता है, वो इसी कलर का ही होता है। ये ईंट का कलर है और ब्रिक कलर इसको हम लोग कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये 6 कॉर्ड में 1 2 3 के ऊपर बना हुआ मांझा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया मांझा है। मज़ा आ गया इनका कलेक्शन देख करके, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये लीजिए, ये भाई साहब आ गए सामने, थम्स अप कर दीजिए जरा। कैप्टन है हमारे। अच्छा, कैप्टन आप हैं, और आप क्या हैं? आप फाइटर हैं? अच्छा, और आप भी फाइटर हैं? अच्छा, और आप भी फाइटर हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका भाई साहब। इनके पास तो बहुत अच्छी अच्छी चरखियाँ, मांझा वगैरह, पतंग सब कुछ है, लेकिन सब कुछ दिखाना एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। इन्होंने स्टॉक अपना बहुत जगह रखा है, लेकिन ये फार्म हाउस का एक रूम है, और ये जो है क्लब काइट फाइटिंग ग्राउंड से बिल्कुल पास पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा अपना स्टॉक रखा है। बाकी मेन स्टॉक तो इन्होंने कहीं खजाना अपना छिपा के रखा होगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन घोष। और भाई साहब आप लोगों को एक बार मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा मेरे को समय दिया कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना पाया, और ये वीडियो पूरे जो है विश्व में घूमेगा, लोग देखेंगे, और लोग धीरे धीरे काइट फ्लाइंग की तरफ, काइट फाइटिंग की तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं, और जो लोग जो हैं इसको इंजॉय करना चाहते हैं। और मैं इन सभी लोगों को बोलूँगा कि एक बार मेरे चैनल के लिए थम्स अप कर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।